जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त और होस्ट हामिद रज़ा एक नई वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीर पंजर सरकार की कुछ नई पेशन गोइयों के बारे में। जी हाँ नाज़रीन, पीर पंजर सरकार ने तीन बड़ी पेशन गोइयाँ कर दी हैं, जिसमें दो हिंदुस्तान के बारे में और एक पेशन गोई जो है वो कश्मीर के बारे में है। जी हाँ नाज़रीन, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा क्योंकि आज इंडिया के बारे में बहुत बड़ी जो पेशन गोई है, प्रेडिक्शन है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नाज़रीन, आज मैं आपको पीर पंजर सरकार की पहली पेशन गोइयों के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि डायरेक्ट हम पीर पंजर सरकार की जो न्यू पेशन गोइयाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, पीर पंजर सरकार ने इंडिया के बारे में बड़ी पेशन गोई कर दी है। जी हाँ, पीर पंजर सरकार का क्या कहना है? पीर पंजर सरकार का कहना है कि जिस तरह बैतुल्ला को बुतों से पाक किया गया था, इसी तरह हिंदुस्तान के अंदर से भी तमाम बुत बहुत जल्द ख़त्म होने वाले हैं। जी हाँ नाज़रीन, पीर पंजर सरकार का कहना है कि इंडिया के अंदर तमाम बुत जो हैं और तमाम मंदिर जो हैं वो बहुत जल्द हटा दिए जाएंगे इंडिया के अंदर से, और ये हिंदुओं की हुकूमत जो है ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है और राज सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का होगा। जी हाँ नाज़रीन, ये पीर पंजर सरकार की पहली पेशन गोई है जो उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में की है कि बहुत जल्द मंदिर और ये जो बुद्ध हैं ये बहुत जल्द हिंदुस्तान के अंदर से ख़त्म होने वाले हैं। नाज़रीन, इसके बाद पीर पंजर सरकार ने दूसरी पेशन गोई करते हुए कहा है कि मोदी ने आरएसएस के साथ मिलकर मुसलमानों की नस्ल कुशी करना शुरू कर दी है। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि हम पहले भी देख सकते हैं, चाहे वो कैद बिल हो, चाहे वो कश्मीर के अंदर कर्फ्यू हो, चाहे वो कोई भी अंदरूनी मामलात हों, मुसलमानों की नस्ल कशी की जा रही है। तो अब पीर पंजर सरकार का कहना है कि मुसलमानों की नस्ल कशी आरएसएस के साथ मिलकर मोदी इसमें अब बहुत ज़्यादा तेज़ी लेके आने वाला है और मुसलमान इस बारे में अपने आप को तैयार रखें। जी हाँ, मुसलमान अपने आप को तैयार रखें कि बहुत जल्द इन पर भी ये अजाब आने वाला है, ये जुल्म इन पर आने वाला है। नाज़रीन, इसके बाद पीर पंजर सरकार की तीसरी और अहम पेशन गोई जो यकीनन आप सब ज़रूर सुनना चाहते होंगे, वो कश्मीर के बारे में। नाज़रीन, कश्मीर के अंदर जो है इनका कहना है कि कमोबेश 340 दिन होने वाले हैं कश्मीर के अंदर कर्फ्यू नाफिज है और किसी किस्म का भी जो है वो उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, उन पर जुल्म व सितम की ये इंतहा है। नाज़रीन, पीर पंजर सरकार का कहना है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह कश्मीर का सूरज तलू होने वाला है। जी हाँ नाज़रीन, बहुत जल्द कश्मीर का सूरज तलू होने वाला है और 2029 तक, दिसंबर 2029 तक कश्मीर भी आज़ाद हो जाएगा और इसके साथ साथ हिंदुस्तान के अंदर से तमाम बुतों और मंदिरों का खात्मा भी हो जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, ये तीन थी पीर पंजर सरकार की नई पेशन गोइयाँ जो मैंने आपको बताई, जो हिंदुस्तान के बारे में थी, जो कश्मीर के बारे में भी थी। तो नाज़रीन, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय के इजहार कमेंट की सूरत में ज़रूर करें, क्योंकि हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप इन पेशन गोइयों के बारे में क्या राय रखते हैं, कि क्या हिंदुस्तान के अंदर से बुतों का खात्मा हो पाएगा या कश्मीर आज़ाद हो पाएगा। तो आप अपनी राय का इजहार कमेंट की सूरत में ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्त को दें इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।